नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद। परमपिता परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए रामधाम खेड़ापा की पावन परंपरा को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज एक अति विशिष्ट बात आप हम सभी आपस में विशेष रूप से करने वाले हैं। आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति हमारी सनातन संस्कृति की बहुत विलक्षण और विशेष महिमा आप हम सभी शास्त्रों पुराणों में श्रवण करते हैं। इसी के साथ ही आयुष के रूप में, आयु के रूप में, चिकित्सा के रूप में हमारा आयुर्वेद सिद्धांत बहुत प्राचीन है और उसमें भी विश्व में सबसे पहले अगर कोई शल्य चिकित्सा हुई है तो वह हमारे आयुर्वेद पद्धति में शल्य चिकित्सा, अनेकों प्रकार की औषधियों से युक्त चिकित्साएं हमारी सनातन संस्कृति के अंतर्गत विशेष रूप से हम सभी श्रवण करते हैं और प्राचीन समय से लोग लाभ लेते आए हैं। उसी दृष्टिकोण से इस बात को हम आपको क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारे रामधाम खेड़ापा से ही रहा है। परम आराध्य पूज्य दादा गुरुजी महाराज श्री हरिदास जी महाराज ने दर्शन आयुर्वेदाचार्य में शिक्षा ग्रहण करी और आपके जीवन में आयुर्वेद का अध्ययन बहुत विशेष रूप से हुआ। तो श्री दादा गुरुजी महाराज ने आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व रामधाम खेड़ापा में श्री दयालु औषधालय के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को यहाँ पर भी प्रारंभ किया था। क्योंकि आपका विशेष लगाव आयुर्वेद से था, इसलिए उस समय में सैकड़ों हजारों की संख्या में रोगियों का उपचार इस रामधाम खेड़ापा में हुआ करता था। महाराज श्री के परमधाम के पश्चात गमन पश्चात आयुर्वेद की जानकारी का अभाव होने के कारण वह औषधालय यहाँ पर प्रायः कई वर्षों तक बंद सा ही रहा। परंतु हमारे परम पूज्य गुरु महाराज पूज्य खेड़ापा महाराज श्री के मन में कई वर्षों से निरंतर यह विचार रहा कि इस रामधाम से औषधालय एवं चिकित्सा की सेवा जैसे पूज्य गुरु महाराज के द्वारा होती थी वैसे ही सेवा चलती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी भाव को फलित रूप करते हुए इस बार 2020 के मार्च महीने में जब हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज की बरसी आई, उस बरसी के अवसर पर परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से दादा गुरुजी महाराज के नाम से ही आचार्य से हरिदास जी आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना हुई और इसी के साथ में पंचकर्म पद्धति का भी साथ ही में समावेश किया गया। क्योंकि आजकल पंचकर्म पद्धति का विशेष रूप से चलन चल पड़ा है। लोग अनेकों प्रकार की व्याधियां, जिसमें विशेष रूप से आजकल घुटने का दर्द, कमर का दर्द, साथ ही साथ में सिर संबंधी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक तनाव संबंधी बहुत सारी बीमारियां, अनिद्रा, अनेकों प्रकार की ऐसी जो घरेलू जिनको रोग कह सकते हैं, प्रतिदिन तनाव के कारण अथवा उठक बैठक के समय में दर्द के कारण अनेकों प्रकार की साइटिका जैसी बीमारियां जो नित्य चलन में आ गई है, उन बीमारियों का यहां पर निदान, रोगों का उपचार पंचकर्म पद्धति के द्वारा एवं आयुर्वेद की समस्त विधा, जिसमें आयुर्वेद संबंधी जितनी भी औषधियां हैं वो अपने रामधाम खेड़ापा में। बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि अब हमें किसी और आयुर्वेदिक औषधालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने रामधाम खेड़ापा में ही पंचकर्म पद्धति की चिकित्सा प्रारंभ हो गई है। आप यहाँ पर पधार करके और उस चिकित्सा का लाभ इस रामधाम खेड़ापा के आध्यात्मिक वातावरण में और साथ ही साथ में यहाँ पर इस आध्यात्मिक वातावरण के साथ में शांत चित्त होकर के ध्यान के साथ में, योग के साथ में, योग मेडिटेशन के साथ में, आयुर्वेद मेडिटेशन, कितना विचित्र लाभ है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर महापुरुषों के दिव्य धाम का दर्शन, साथ ही साथ में यहाँ पर स्थायी निवास करके और डॉक्टर एवं वैद्य के परामर्शानुसार यहाँ पर आहार लेकर के और आप पंचकर्म करवा सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसी एक शुरुआत यहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से अपने रामधाम खेड़ापा में, जिसका विश्लेषण कल एक पैम्पलेट
आपको एक ब्राउज़र दिया जाएगा जो अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रचार प्रसार करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। उसमें सारी डिटेल्स आप लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक कदम चिकित्सा सेवा की तरफ हमारे रामधाम में प्रारंभ किया गया है। आप उसका अवश्य लाभ लें। कितनी प्रकार की बीमारियों का निदान ये उसमें आप सब पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन आप यहाँ पर आकर के पंचकर्म पद्धति के द्वारा इस रामधाम में भजन साधन के साथ साथ में आजकल जो बीमारियाँ चल पड़ी है उन बीमारियों का निदान सरल रूप से एवं चिकित्सा पद्धति के द्वारा लाभपूर्वक हम प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य लाभ लेना चाहिए। दोनों हाथों में लड्डू है, हम यहाँ दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और औषधियों के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा हम अपने रोगों का भी निदान कर सकते हैं। ऐसा सुअवसर यहाँ पर महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। यह विशिष्ट सूचना अवश्य आगे लोगों को प्रचारित करें और ऐसा आयुष का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो, ऐसी हम शुभकामना आप सबको प्रेषित करते हैं। राह